देखो यार, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम अदर सब्जेक्ट की तरह सिर्फ याद करके इस पर तुम अपनी पकड़ नहीं बना सकते। इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कॉन्सेप्ट को लिंक करने का विजन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो इन 5 टिप्स को अपना कर तुम फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लोगे। तो यार, ये जो तुम्हें मैं टिप्स बता रहा हूँ ना, ये मैंने खुद फॉलो किए हैं और तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैंने जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था तो मैंने अपने शुरू के 4 महीनों में ही अपने फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया था और फिर उसके बाद 7 से 8 बार रिवीजन भी किया था। तो बने रहो वीडियो में, चलो फिर देखते हैं उन 5 टिप्स को। टिप नंबर 1 है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जब भी तुम कुछ नया सीखो तो उसके लिए तुम हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सोचने लग जाते हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों से ये बातें सुनते हैं और जब ये इस सब्जेक्ट को खुद पढ़ते हैं तो उन्हें भी लगने लगता है कि ये बहुत हार्ड है। तो आज ही से ये नेगेटिव बातों को अपने मन से निकाल दो, बस पॉजिटिव सोचो, हाँ मैं इसे सीख लूँगा और मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ूंगा। तो हमारी टिप नंबर 2 है प्लान योर सब्जेक्ट विद बेसिक्स। जब भी तुम कुछ नया सीख रहे हो तो पहले उसके बेसिक्स से स्टार्ट करो। बेसिक्स से मतलब है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो पहले उसे हम ABCD सिखाते हैं, उसके बाद उसे वर्ड्स का ज्ञान होता है और तब जाकर वो एक अच्छी इंग्लिश बोल पाता है। और यही कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स पर अप्लाई करेंगे क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अपने पीछे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं, तो जो वो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिक्स ही होते हैं। तो तुम्हें एक गोल सेट करना है कि मैं इतने दिनों में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा। उसके लिए तुम्हें डेली के छोटे छोटे गोल्स पर काम करना होगा। अपने आप को तुम छोटे छोटे टास्क दो और उन्हें कंप्लीट करते रहो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर तुम्हारे पास एक बार एक कॉन्फिडेंस आ गया ना भाई, तो उसे कहीं जाने मत दो, उसे अपने पास बिठाओ और अच्छे से खातिरदारी करो, भाई अब कहीं जाना नहीं है तुम्हें। तो ये बात तो हुई बस वैसे ही। तो मेन बात क्या है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है और डेली उस पर काम करना है। चलो अपनी 3rd टिप्स देखते हैं। तो मेक स्टडी नोट्स, यानी तुम्हें नोट्स बनाकर ही पढ़ना है। अगर तुम किसी भी टॉपिक को अपने लैंग्वेज में लिखकर याद करते हो तो इससे तुम्हारी मेमोरी बहुत ही अच्छी होती है और तुम उस टॉपिक को अच्छे से याद कर पाते हो। तो इसी तरह हम फिजिक्स के थ्योरेटिकल टॉपिक्स को अगर हम लिखकर याद करते हैं तो जल्दी से हमारे माइंड में चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर तुम्हें ये जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है। टिप नंबर 4 हमारी प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिजिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर सबसे ज़्यादा जोर देना होगा। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे और जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तुम्हारा माइंड उतना ही शार्प होगा। तो फिजिक्स के डेरिवेशन थ्योरी और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहो। और लास्ट टिप है हमारी ऑब्जर्वेशन एंड रिवीजन। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसे ऑब्जर्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और तुम जो भी पढ़ते हो उसे अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करो। अब हम कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे कुछ टाइम बाद भूल भी जाएंगे, ऐसा सभी के साथ होता है। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो भी पढ़ो उसे बार बार रिवाइज करते रहो। अब ये मत बोलना कि रिवीजन कैसे करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में शो हो जाएगी, देख लो। तो बस यार, ये थी हमारी आज की 5 टिप्स। और हाँ, अगर तुम्हें टाइम टेबल बनाना नहीं पता है और पढ़ाई के दौरान तुम ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट ही करते हो, या फिर सेल्फ स्टडी कैसे करें या रिवीजन कैसे करें, तो ये वीडियो तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तुम इन्हें भी देख सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।